हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस साइड काव्य अहिर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फुल्ली फर्निश्ड लग्जरियस बंगलो। जी हाँ, सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो लोकेशन रहेगी वो नियर बाय बॉम्बे हॉस्पिटल रहेगी। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, 23x50 स्क्वायर फिट का साइज़ रहेगा। और वेट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो इन फ्यूचर कभी भी वीडियोस आते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और इस घर को आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, हम आ गए हम घर के बाहर। सो सबसे पहले हम रोड की बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी वाइड रोड मिल जाएगा आपको, एंड देन रोड के जस्ट बाहर आप देख पा रहे हैं आउटर पार्किंग दी हुई है। आउटर पार्किंग से इंटरनल पार्किंग तो है ही, लेकिन हम उसके बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंट एलिवेशन। सो फ्रंट एलिवेशन आप देख पा रहे हैं काफ़ी अमेजिंग लुक है, प्रॉपर लाइटिंग्स प्रोवाइड की हुई है, दैन जो ग्लास वर्क किया हुआ है, टफन ग्लास वर्क किया हुआ है। और साथ में आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्लांटिंग्स की हुई है। सो आपको इको नेचुरल फ्रेंडली वाइब्स जो है वो आती रहेंगी। फेसिंग की बात कर लेते हैं, वेस्ट फेसिंग घर रहेगा, सो आपको डे लाइट की प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वेंटिलेशन काफ़ी दिया हुआ है इसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर। एंड देन सारी चीज़ें आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, जैसे नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। सिक्योर सोसाइटी है यहाँ पे, आपको कॉलेज, स्कूल्स एंड जो मेडिकल्स होते हैं या फिर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो आसपास में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो घर रहेगा कॉर्नर हाउस रहेगा, 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। सो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ तो हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन से डिटेल्स चेक कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आइए अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। सो लेट्स हैव अ टूर। जैसे ही आप एंटर होंगे सो एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का आपको आयरन डोर मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी अमेजिंग है। एंड देन यहाँ से जैसे ही आप एंटर होंगे सो इंटरनल पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। सो जो सेडान सेगमेंट्स की जो कार होती हैं वो इजीली यहाँ पार्क हो सकती हैं, टू व्हीलर्स भी होती हैं, तो साथ में वो भी आप पार्क कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में आपको एक स्पेस दिया हुआ है, सो आप अपने अकॉर्डिंग गार्डनिंग कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह जो है काफ़ी अमेजिंग कलर की दी हुई हैं, सो आप जैसे भी चाहें प्लांटिंग और भी चीज़ें चाहते हैं सो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको गार्डन स्पेस के जस्ट साइड में ही आपको वॉशिंग स्पेस दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। अब यहाँ से पाइप कनेक्ट करके देन आप अपनी जो कार है या टू व्हीलर्स हैं वो वॉश कर सकते हैं। ये अगर एरिया या गार्डनिंग में आपको पानी की ऑब्वियस ज़रूरत तो पड़ती ही है, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से ईजिली। हम अंदर जाने से पहले यहाँ का मेन एंट्रेंस जो है वो देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा है। देख पा रहे हैं काफ़ी अमेजिंग लुक है एंड काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ से जो है वो लुक दिखाई दे रहा है। सो गाइस अंदर चले। सो जैसे ही आप एंटर होंगे तो इसका एक बार लुक देख लेते हैं, काफ़ी अमेजिंग लुक देखने को मिल रहा है आपको। इसके जस्ट राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कैबिनेट दिया हुआ है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। एंड देन आप अप साइड में देख रहे होंगे तो एक वुडन वर्क किया हुआ है जिसमें आप यूनिक पीस या तो आप फ्रेम वगैरह रख सकते हैं। लाइटिंग्स भी की हुई है तो काफ़ी अमेजिंग है। आइए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको लेफ्ट साइड में मैंने बताया था आपको एक ऑफिस वर्क दिया हुआ, तो ऑफिस के लिए प्रॉपर प्लेस दी हुई है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट स्टोरेज के लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेफ्ट साइड में सोफा एंड वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो हम बाहर से देख रहे थे वो भी काफ़ी बड़ा है। प्रॉपर कर्टन्स यूज़ किए हुए हैं। एंड देन हम इसकी फॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं। सो फॉल सीलिंग में काफ़ी अमेजिंग वर्क किया हुआ है, जितनी भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं इसमें प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ की हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क स्पेस दिया हुआ है, वर्क स्पेस यहाँ पर आपको एक कैबिन मिल जाएगा। कैबिन के जस्ट फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अमेजिंग सा आपको वाटर फाउंटेन मिल जाएगा। सी आप व्यू देख पा रहे हैं, अमेजिंग लुक है इसका। देन इसके राइट में आप देख रहे होंगे
काफी अमेजिंग सा क्लास वर्क किया हुआ है। सी काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, वाटर फाउंटेन प्लस टाइल्स यूज किए हैं, देन वॉलपेपर जो यूज किया हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको काफी अमेजिंग लुक देखने को मिल जाएगा। एज अ ड्रॉइंग रूम एरिया यूज कर सकते हैं या फिर आप एज अ कॉन्फ्रेंस हॉल यूज कर सकते हैं इसे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्पेस जो है वो वर्क के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस मीटिंग पर्पज से लोग आते हैं या तो फिर और भी काम होते हैं उन्हें, सो उस अकॉर्डिंग आप इसे कॉन्फ्रेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में आपको स्पेस दिया हुआ है। सो राइट साइड में जो स्पेस दिया है टीवी पैनल एरिया है, अब किसी भी साइज का टीवी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके जस्ट राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाएगा, इसे कहते हैं लैंडस्कोप कोर्ट एरिया। देख पा रहे होंगे आप प्लांटिंग की हुई हुई है इको फ्रेंडली नेचुरल वाइब्स के लिए। एंड देन यहाँ से आप जो व्यू देखेंगे तो जो वॉल का कलर है देन प्लस लाइटिंग है काफ़ी प्यारा कॉम्बिनेशन है, और उसमें नाइट में जो व्यू आएगा आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने को मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर वेंटिलेशन दिया हुआ है। सो वेंटिलेशन के लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड में यहाँ पर एक वॉल वर्क किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी अमेजिंग कलर के साथ एक वॉल वर्क किया हुआ है, एंड देन लैम्प भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने को आपको मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे वेंटिलेशन का, जैसे मैंने आपको बताया है। सो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, इसे व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है आउटसाइड का जो आप देख पा रहे होंगे। सो हम इसे बंद कर देते हैं पहले, देन मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देती हूँ। सी यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं प्रीमियम क्वालिटी का वर्क किया हुआ है, सो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ग्लास वर्क है, सो जो आपका कैबिन है देन ड्राइंग रूम एरिया है या कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसे हम बोल रहे हैं, सो उसके लिए यहाँ पर एक ग्लास वर्क किया है प्लस कर्टन यूज़ किए हैं ताकि यहाँ से आइट साइड का दिखाई ना दे। हम फॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं। सो फॉल सीलिंग काफ़ी अमेजिंग है, प्रॉपर लाइटिंग्स यूज़ की हुई हैं। एंड डिटेल्स में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आप इसे बंद करेंगे आपकी लाइट्स को, सो आपको प्रोफाइल लाइट का जो व्यू है काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाएगा, उसमें नाइट में काफ़ी अमेजिंग लुक देखने को मिलेगा। सी आप खुद देख पा रहे होंगे, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं, ये हमने देख लिया हमारा ड्राॅइंग रूम एरिया कम कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ से आप आए, आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। सो ग्लास प्लस वुडन वर्क किया हुआ है, देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख पा रही होंगी लाइटिंग्स की हुई हैं। सो लाइटिंग्स का आपको ऑलरेडी पता होगा, नाइट में वॉक करते अगर आप जाते हैं सो उसके लिए आपको लाइटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ वेंटिलेशन दिया हुआ है राइट साइड में, सी काफ़ी बड़े साइज़ का वेंटिलेशन है, डे लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वेंटिलेशन की तो प्रॉब्लम होना ही नहीं है। यहाँ से हम वॉल का वर्क देख लेते हैं, ये वॉलपेपर नहीं है, वॉल ही है जिसमें जो वर्क किया हुआ है प्लस कलर जो किया हुआ है काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फैंसी लाइट या फिर लैम्प जिसे बोलते हैं, काफ़ी अमेजिंग व्यू है। आइए हम ऊपर चलते हैं। गाइस हम यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया में आपको 5 सीटर का डाइनिंग टेबल मिल जाएगा जो काफ़ी अमेजिंग है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें काफ़ी अमेजिंग वर्क किया हुआ है। एंड देन साथ में आपको स्टोरेज के लिए ड्रॉअर प्लस कैबिनेट्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपने डिशेस वगैरह इजीली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, साथ में आपको एक वॉश बेसिन भी प्रोवाइड किया जो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूनिक लुक दिखाई दे रहा है। एंड देन वॉलपेपर दिया हुआ है और साथ में वेंटिलेशन दिया हुआ है, सो डे लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो होना ही नहीं है आपको। और यहाँ पे हम साथ ही साथ अपना फॉल सीलिंग देख लेते हैं। सो फॉल सीलिंग पे जो है पीवीसी वर्क किया हुआ है और वुडन वर्क किया हुआ है, और लाइटिंग्स जो है वो प्रॉपर है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ से हम चलते हैं ड्राॅइंग रूम एरिया की तरफ में। सो ड्राॅइंग रूम जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुडन वर्क किया हुआ दिखाई दे रहा है जो पार्टीशनिंग की हुई है, इसमें वुडन वर्क की पार्टीशनिंग की हुई है, काफ़ी अमेजिंग है एंड थोड़ी यूनिक भी शो कर रही है। जैसे ही आप एंटर होंगे तो काफ़ी स्पेशियस आपको एक ड्राॅइंग रूम एरिया मिल जाएगा जिसमें सोफ़ा सेट्स अरेंज किए हुए हैं कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। देख पा रहे होंगे वॉलपेपर में काफ़ी अमेजिंग वर्क है एंड राइट साइड में वुडन प्लस वॉलपेपर का जो वर्क है एंड देन जो वॉच सेट की हुई है यहाँ पर वो काफ़ी यूनिक प्लस क्लासी लुक दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम चलते हैं। सो जब आप यहाँ से एंटर होंगे
जैसे ये देख पा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे साथ ही साथ में आपको एक बालकनी मिल जाएगी। सी देख पा रहे होंगे, आपको बालकनी दिखाई दे रही होगी जिसमें फ्लोरिंग है, वुडन कलर की फ्लोरिंग है एंड जो टफ ग्लास वर्क किया हुआ है। एक बार यहाँ से व्यू देख लेते हैं हम, एंड देन प्लांटिंग की हुई है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इको फ्रेंडली नेचर के लिए, सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ड्राइंग रूम एरिया में ही आते हैं सो इसके लेफ्ट साइड में आपको टीवी पैनल एरिया दिखाई दिया। टीवी पैनल एरिया थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो जैसे बाहर का जो व्यू है काफ़ी अमेजिंग है। इसमें देख रहे होंगे आप कि प्लांटिंग की हुई है इको नेचुरल फ्रेंडली वाइब्स के लिए, एंड जो स्पेस है यहाँ पर टीवी पैनल एरिया का, तो आप किसी भी साइज़ का जो है वो टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए यहाँ पर प्रॉपर ड्रॉर्स दिए हुए हैं। सी ये हमने यहाँ से हमारा ड्राइंग रूम एरिया देख लिया, डाइनिंग एरिया देख लिया। तो गाइस हम यहाँ हमारे फुल्ली मॉडुलर किचन की तरफ आ गए हैं। आप देख पा रहे होगे काफ़ी स्पेशियस है, इसमें दोनों साइड आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में देन राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है एल शेप का दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी चिमनी इंस्टॉल्ड है एलिका ब्रांड की, एंड स्टोव भी आपको मिल रहा है साथ ही साथ में। जो कैबिनेट्स हैं आप देख पा रहे सॉफ्ट क्लोजर हैं, प्लस आपको हैफले ब्रांड की कैबिनेट्स मिल रहे हैं। एंड जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रॉर्स दिए हुए सॉफ्ट क्लोजर्स, आपको ड्रॉर मिल जाएंगे जो कि इको ब्रांड्स के रहेंगे। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने बताया आपको एल शेप का यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सो जो ये स्टोरेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समटाइम होता क्या है कि जो किचन होती है उसमें स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम होती है अगर एल शेप का आपका किचन होता है या प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लस चीज़ ये दी हुई है कि यहाँ पर आप इजीली अपना जो है स्टोर कर सकते हैं सामान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सॉफ्ट क्लोजर है सो देख लीजिए आप भी कि आप प्रॉपरली जो है इजीली क्लोज हो गया है। सब राइट साइड की बात कर लेते हैं, राइट साइड में आपको एक स्पेस मिल जाएगा फ्रिज के लिए, प्रॉपर स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर फ्रिज के लिए। एंड देन प्रॉपरली स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर भी कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन आर ओ के लिए आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएगा सो आर ओ भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन इसके डाउन साइड में आप देख पा रहे होंगे वॉश बेसिन दिया हुआ है वॉशिंग में, सो यहाँ पर भी जैगवार की फिटिंग की हुई है। एंड देन जो ये होता है ये प्रॉपरली आपके वेजिटेबल्स वगैरह जो आप वॉश करते हैं उसके ड्रेनिंग के लिए होता है। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से प्रॉपरली एक वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको वॉशिंग एरिया की तरफ में ले चलती हूँ। सो किचन के जस्ट बाद में आपको एक प्रॉपरली वॉशिंग एरिया मिल जाएगा, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन दिया हुआ है वेजिटेबल प्लस आपको डिशेज वगैरह वॉश करनी है सो उसके लिए। एंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लुक काफ़ी अमेजिंग है, जो अमेजिंग व्यू आ रहा है। प्रॉपरली यहाँ पर नल वगैरह की फिटिंग्स दी हुई हैं आपको। सो मैंने आपको मॉड्यूलर किचन बता दिया, देन साथ ही साथ आपको वॉशिंग एरिया भी बता दिया। सो आप देख पा रहे होंगे अगर आप सेम प्लानिंग चाहते हैं सो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा। हमने हमारा किचन देख लिया, किचन के बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। सो जब आप फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ में जाएंगे तो आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। आइए हम आपके वॉशरूम को देख लेते हैं। सो जैसे ही आप एंटर होंगे यहाँ पे तो काफ़ी स्पेशियस आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। इसमें जो टाइल्स यूज़ किए हैं स्किड प्रूफ टाइल्स यूज़ किए हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे है जो रेन चार यूज़ किया है, आप देख पा रहे होंगे कुछ डिफरेंट यूज़ किया हुआ है इस बंगलों में। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो टाइल्स हैं काफ़ी अमेजिंग कलर की और अंदर कॉम्बिनेशन करके जो टाइल्स यूज़ की हुई हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आपको कमोड प्लस वॉश बेसिन एंड मिरर एंड जो शार है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया काफ़ी अमेजिंग है। जो फिटिंग्स हैं ये जैगुआर की फिटिंग्स की हुई हैं सो देख पा रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी अमेजिंग लुक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट मास्टर बेडरूम, सो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। ओके काफ़ी अमेजिंग है ये, देख रहे होंगे आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है यूज़ किया, डिफरेंट कलर है। देन वॉलपेपर इसका देख लेते हैं, वॉलपेपर जो है क्रीम एंड थोड़ा सा ग्रीनिश लुक में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो बेड है एंड देन जो बेड का साइड है वो ब्राउन प्लस आपको क्रीम एंड ग्रेश यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपरली आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाएंगे, काफ़ी स्टोरेज है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे आपको टीवी पैनल एरिया मिल जाएगा जिसमें आप किसी भी साइज़ का टीवी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपरली यहाँ पर स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स बने हुए हैं, यहाँ से आप देख रहे होंगे एक स्पेस दिया हुआ है सो हम ये भी देख लेते हैं।
जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर हमारा लैंडस्कोप कोड देखा हुआ था, ये वहाँ का लुक दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से। सो प्रॉपरली यहाँ विंडो दिए हुए हैं तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फॉल सीलिंग देख लेते हैं इसकी। सो फॉल सीलिंग में काफ़ी प्यारा वर्क किया हुआ है, क्लासी लुक दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड चीज़, जो लाइटिंग्स हैं, लाइटिंग्स भी प्रॉपर यूज़ की हुई हैं। सो यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड देन यहाँ से हम चलते हैं और जो फिटिंग्स वगैरह हैं प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की फ़िटिंग्स यूज़ की हुई हैं। सारे रूम्स में यहाँ पर एसी इंस्टॉल किया हुआ है। हमारा जो वर्क स्पेस था, मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ पर भी एसी इंस्टॉल था। प्रॉपरली फुली फर्निश्ड है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऐसे ही चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 10 यूनिट्स के यहाँ पर बने हुए हैं, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। सो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ देख रहे हैं या फिर कुछ और डिफरेंस भी चाहते हैं, सो आप बिल्कुल दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। सो चलिए यहाँ से हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सो गाइस, हम यहाँ हमारे सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। सेकंड फ्लोर पर जब आप एंटर होंगे तो आपको यहाँ पर एक पूजा रूम मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी डिफरेंट सा यहाँ पर ग्लास वर्क करके देन पूजा रूम बनाया हुआ है। काफ़ी अमेजिंग वुडन वर्क किया हुआ है, स्टोरेज प्रॉपर दिया हुआ है, कैबिनेट्स ड्रॉर्स प्रॉपर दिए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। एक वेंटिलेशन दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेयर्स वगैरह यहाँ पर किए हुए हैं। एंड देन वॉलपेपर, डिफरेंट वॉलपेपर है, ग्रीनिश लुक आ रहा है और काफ़ी अमेजिंग है। इसकी फॉल सीलिंग देख लेते हैं, प्रॉपर लाइटिंग्स प्रोवाइड की हुई है। सो जैसे ही आप पूजा रूम से बाहर आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में प्लस राइट साइड में दो मास्टर बेडरूम मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 BHK फुली फर्निश्ड बंगलो है, सो हमारा सेकंड फ्लोर पर दो बेडरूम मिलने वाले हैं आपको। सो सेकंड बेडरूम हमारा ये रहेगा, देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अमेजिंग यूज़ किया हुआ है। यहाँ से अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टीवी पैनल एरिए की। काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है टीवी पैनल एरिए के लिए। आप किसी भी साइज़ का टीवी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं वॉलपेपर में। देन टीवी पैनल एरिए को देख पा रहे होंगे काफ़ी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कंबाइन किया हुआ है। यहाँ से देख पा रहे होंगे सेम इसमें भी एसी इंस्टॉल किया हुआ है। हमारा जो बेड है, बेड के जस्ट राइट साइड में दैट लेफ्ट साइड में दोनों साइड में स्पेस दिया हुआ है। वॉल पर वर्क किया हुआ है वुडन का। एंड लैम्प यूज़ किया हुआ है, जो काफ़ी डिफरेंट यूनिक सा लैम्प यूज़ किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अमेजिंग लुक है। इसकी फॉल सीलिंग देख लेते हैं हम। फॉल सीलिंग पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क किया हुआ है। एंड देन जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर हैं। मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ यूज़ किया है। सारे ही रूम में जो कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ किए हुए हैं। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ से हम चलते हैं हमारे ड्रेसिंग एरिया की तरफ में। सो आप एंटर होंगे आपके फर्स्ट सेकेंड मास्टर बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में। सो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अमेजिंग है। प्रॉपरली स्टोरेज के लिए यहाँ पे वार्डरोब्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर मिररिंग दी हुई है। एंड वुडन का प्लस डार्क जो कलर होता है वो यूज़ किया हुआ है। सो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे शो कर रहा है ये। कि सेकेंड मास्टर बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर टाइल्स दी हुई है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अमेजिंग है। देन पार्टीशनिंग की हुई है ग्लास डोर के साथ, जो आपके शावर एरिया को अलग कर रहा है। एंड देन यहाँ पर रेन शावर दिया हुआ है, आपको डक मिल जाएगा, देन एग्जॉस्ट फैन मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैगवार की फ़िटिंग की हुई है, तो सारे जो बंगलो है इसमें जो फिटिंग्स की हुई है वो जैगवार की हुई है। सो काफ़ी अमेजिंग है, क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। सारी चीज़ें प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर एक वॉश बेसिन एरिया दिया हुआ है, देन कमोड दिया हुआ है, सारी चीज़ें अमेजिंग दी हुई हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना है आपको। वेंटिलेशन पूरे बंगलो में दिया हुआ है। से चलते हैं हमारे थर्ड मास्टर बेडरूम की तरफ में। आपने देख लिया है फर्स्ट बेडरूम आपका, देन सेकंड बेडरूम। सो काफ़ी अमेजिंग था, लुक काफ़ी अमेजिंग है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। सो आइए हम चलते हैं हमारे थर्ड मास्टर बेडरूम की तरफ। सो देख पा रहे होंगे काफ़ी अमेजिंग है, डिफरेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम में देन सेकंड मास्टर बेडरूम में यूज़ किया हुआ है। डिफरेंट कलर है, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे एक सेज ग्रीन कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है बेड में। देन आप वॉलपेपर देख रहे होंगे, एक क्रीम एंड वाइट कलर का वॉलपेपर यहाँ यूज़ किया हुआ है। जो लैम्प्स हैं, यूनिक लैम्प्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर भी, काफ़ी अमेजिंग है। एंड देन जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्टोर्स किया हुआ है, देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिरर वर्क किया हुआ है साथ ही साथ में ग्लास वर्क, तो काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है।
यहाँ से चलते हैं हम हमारे, तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल एरिया मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, एंड यहाँ पे आप सेम किसी भी साइज़ का टीवी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको ड्रॉअर्स मिल जाएंगे यहाँ पे स्टोरेज के लिए। यहाँ से चलते हैं आपको, तो यहाँ पर भी एक बालकनी मिल जाएगी। सो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एक आपको प्रॉपरली बालकनी दी हुई है। इसमें जो डोर्स यूज़ किए हुए हैं, ये स्लाइडिंग विंडोज़ यूज़ किए हुए हैं, स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए हैं। यहाँ से एक बार हम व्यू देख लेते हैं कि व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और जो फ्लोर है ये वुडन कलर फ्लोर यूज़ किया है, प्रॉपरली प्लांटिंग की हुई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक व्यू आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसको यूनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, देन गार्डनिंग के लिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेस दी हुई है। तो आप यहाँ पर कुछ भी प्लांट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी प्लांट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ से चलते हैं हम अपने बालकनी देख ली आपके थर्ड मास्टर बेडरूम के साइड से जो थी। अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस है, देख रहे होंगे आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल जाएंगे यहाँ पर वार्डरोब्स में, आपको देख पा रहे होंगे। एंड देन यहाँ पर आपको आपका ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा प्रॉपरली, इसमें मिरर है, देन स्टोरेज के लिए यहाँ पे कैबिनेट्स प्लस डोर्स बने हुए हैं। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अमेजिंग है। एंड देन यहाँ पर भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, सो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो वॉश बेसिन है यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वॉश बेसिन यूज़ किया हुआ है, मिरर यूज़ किया हुआ है। जो टाइल्स है इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ग्रे कलर का टाइल्स यहाँ यूज़ किया हुआ है इसे यूनिक बनाने के लिए। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ग्लास से पार्टीशनिंग की हुई है आपके शार एरिए को, अंदर यहाँ पर वॉशिंग एरिया से। एंड यहाँ की फॉल सीलिंग देख लेते हैं, फॉल सीलिंग में भी वर्क किया हुआ है और लाइटिंग प्रॉपर है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको रेन शार मिल जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे जो वॉशरूम है काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हमने हमारा थर्ड मास्टर बेडरूम देख लिया, इसका ड्रेसिंग एरिया देख लिया, प्लस बालकनी देख लिया हमने, वॉशरूम देख लिया। यहाँ से चलते हैं हम हमारे टेरेस की तरफ में। सो टेरेस के लिए यहाँ से स्टेयर्स आपको मिल जाएगी, एंड कंटिन्यू यहाँ पर भी सेम वॉल पर वर्क किया हुआ है, ग्रे कलर का वॉल जो है वो यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर लाइटिंग्स दी हुई हैं आप देख पा रहे होंगे, सैंडलियर दिया हुआ है काफ़ी अमेजिंग सा आपको। यहाँ से हम एक बार डाउन साइड का लुक देख लेते हैं कि डाउन साइड का जो लुक है वो कैसा आ रहा है, काफ़ी अमेजिंग लुक दिखाई दे रहा है। सो गाइस हम यहाँ टेरेस पर आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। एक बार सीलिंग देख लेते हैं, प्रॉपर सीलिंग से कवर है ये, साथ में लाइटिंग भी दी हुई हुई है। एंड देन प्लस ये है कि आपको यहाँ पर एक वॉशिंग स्पेस भी मिल जाएगा, जिसमें वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, प्लस वेंटिलेशन भी आपको दिया हुआ है। सो हम आगे चलते हैं यहाँ से, एंड देन यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेरेस है, टेरेस से व्यू कितना प्यारा आ रहा है, काफ़ी स्पेस है और टेरेस पर भी। सो यहाँ से आप व्यू देख लेते हैं कि जो सोसाइटी है और सोसाइटी का व्यू कैसा है। एंड देन यहाँ से हम राइट साइड में चलते हैं, सो आपको लेफ्ट साइड में प्लस राइट साइड में दोनों साइड की स्पेस मिल जाएगा, और मिड में आपको एक सीलिंग से कवर वॉशिंग स्पेस मिल जाएगा। सो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको एक आयरन की स्टेयर्स मिल जाएगी, ऊपर एक ओपन स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर आपको वाटर स्टोरेज टैंक भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सिक्योर सोसाइटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अगर आप कोई भी डिटेल्स चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी हुई है, प्लस स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बंगलो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और हम आपके लिए बेटर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, तो इन फ्यूचर आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ, काव्या अहिर।